जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, ई श्रम कार्ड में पाए 3,000 रुपये फायदे होंगे। ई श्रम कार्ड लेबर पेंशन स्कीम है, देश के असंगठित क्षेत्र के में काम कर रहे लोगों के लिए शुरुआत की गई है। सरकार का मानना है कि लोगों के लिए शुरू की गई स्कीम का सरकार का मानना है कि इस स्कीम में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। यही नहीं, उन्हें पेंशन के साथ इस स्कीम के अन्य भी लाभ मिलेंगे। इसलिए सरकार असंगठित वर्ग से संबंधित श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं को लाती रहती है, जिससे उनका निरंतर उत्थान हो सके। केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने एक बार फिर से ई श्रम कार्ड पोर्टल किया है के माध्यम से ऐसे पात्र लोगों के आवेदन मांगे हैं जिन्हें वास्तव में सरकारी स्कीम की आवश्यकता है। ई श्रम कार्ड योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो श्रमिक असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनकी आयु 18 साल से 40 वर्ष है, जिनकी आय 15,000 रुपये से कम है, जैसे कि निर्माण करने वाले मछुआरे, नौकर, सफाई और कर्मी और दर्जी, रिक्शा चालक, रेहाड़ी पटरी वाले, बुनकर आदि मजदूर। दरअसल ये जीवन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, अभी भी हरियाणा से मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन सभी बुजुर्गों के खाते में 3,000 रुपये आनी शुरू हो जाएगी।